The Afghan people need peace. वेलकम बैक आप देख रहे हैं सियासत मना है हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान अफगानिस्तान और अमेरिका की मुदाखलत और अब मुदाखलत ख़त्म करने का इरादा और हमारे साथ हैं आज मेहमान ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब जो फाटा के ऑब्वियसली फ्राम देर और फिर वहाँ पर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेट भी किया है उनकी तालिबान पर जो राय है वो आज भी इसी तरह है कुछ कि जी इनको मारो और अगर ये मुजाक्रत करने को तैयार हैं तो पहले कहो कि बंदूकें छोड़ें और अपना ये पैन इस्लामिक आइडियालॉजी ख़त्म करें अब ब्रिगेडियर शाह मुझे एक बात बताइए सर ये फिर जो इल्ज़ाम हैं कि इनके हिमायती बहुत हैं इनके हिमायती हमारी फ़ौज के लोअर रैंक्स में भी हैं इनके हिमायती हमारी बहरिया के लोअर रैंक्स में भी हैं यानी कि वहाँ वहाँ हैं जहाँ जहाँ इनसे लड़ने वाले मौजूद हों क्योंकि हमारी फ़ौज का एक खसूस हिस्सा लड़ रहा है इनसे लेकिन जो बाकी बहरिया है उसने आज तक कभी तालिबान देखा नहीं है लिहाजा उनके नज़रियात मिल भी सकते हैं डिस्टेंट है इन्हें जिन लोगों ने इस दुश्मन को देखा है वो वो इस दुश्मन से ज़रूर नफरत करते हैं हमारी फोर्स में लेकिन जिन्होंने इस दुश्मन को देखा नहीं है उसके बारे में सिर्फ सुना है और बदकस्मती से हमारी मजहबी जमातों को और हमारे टेलीविजन चैनल्स को देखा है तो वो बिल्कुल कन्फ्यूज़ और गलाए हुए हैं और वो सोचते हैं कि जी ये बिल्कुल ठीक थे और शायद फिर उनकी सिंपथीज की वजह से हमारी फोर्सेस के अंदर भी इन्फिल्ट्रेशन है सर ये इस बात में कोई सदाकत है दरअसल अगर आप देखें कि हमारी फोर्सेज जो है वो इस सोसाइटी का हिस्सा है इसमें से जो लोग आते हैं वो किसी का भाई जो है वो सियासत में है तो दूसरा जो है वो फ़ौज में है और ज़रूर ये घर पे जाके बातचीत करते रहते हैं हमारी सोसाइटी में कुछ मजहबी जमाते जो है वो हुआ कि ये प्रोपेगेंडा कर रही हैं इनके हिमायत में और वो भी जो है वो शायद इनकी ना समझी है क्योंकि आपने देखा होगा कि मौलाना फजल रमान साहब काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो इनके हाथों पगड़ी भी जो है वो बाइजत नहीं है और दाढ़ी भी नहीं है तो वो इस नतीजे पे बड़े अरसे के बाद पहुँचे और शायद इस तरह जमात इस्लामी के अंदर भी ऐसी बातचीत हो रही है कि वाकई ये लोग जो है वो इस्लाम को बदनामी के ऊपर तुले हुए हैं तो सही बात तो इनकी ये होनी चाहिए थे कि इस्लाम की खातिर अगर ये बात करना चाहते हैं तो जो इस्लाम का नमूना ये दुनिया को पेश कर रहे हैं उससे तो इस्लाम बदनाम हो रहा है पाकिस्तान बदनाम हो रहा है अभी इसका इफ़ेक्ट हमारे पूरे सोसाइटी पर है उसी तरह इफेक्ट जो है वो ट्रेवल करता है हमारे आर्म फोर्सेस में भी जिसमें नेवी भी शामिल है आर्मी भी शामिल है और एयरफोर्स भी लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी फौज जो है वो हमेशा डे वन से इस चीज़ के ऊपर जो है मुतवजह थी कि ये कुछ ऐसे लोग तो हमारे फ़ौज में नहीं हैं कि जिनका माइंड इफ़ेक्ट हो रहा हो और मैं आपको सही बताऊं कि जितना हम सोचते थे कि इतना इफेक्ट हो सकता है उससे बहुत कम इफ़ेक्ट हुआ है क्योंकि इतनी बड़ी फौज साढ़े छः लाख की उसमें सिर्फ चार पांच अफसरों का इफ़ेक्ट होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और वक्तन फवका जो है ये जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं इनकी बाकायदा सर्वेलेंस होती है और उसमें से कुछ लोग निकलते हैं कुछ को किसी वक्त के लिए टॉलरेट किया जाता है कि ठीक है मज़े भी इसको आज़ादी है ये करना चाहे लेकिन जब ये देखते हैं कि उनकी जो जो ख़्यालत है वो डेंजरस हद तक जाते हैं तो फिर वहाँ पर काम है कि उन आदमियों को वो निकाले आ, इसके अंदर नेचुरली परफेक्ट सिस्टम कोई नहीं होता आ, नेवी में आ, मेरे ख्याल में ये एक नाकामी है कि वो फेल हुए इसमें कि वो अपने फाइल एंड रैंक में देखे कि कोई ऐसे आदमी नहीं जो इनके साथ मिले हुए हों इसी तरह एयर फोर्स में भी कुछ वाकयात हुए हैं एक दो के जहाँ पर देखिए मिले हुए हैं लेकिन आर्म फोर्स हमेशा जो है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को मद्देनज़र रखती है और मैं समझता तो हूँ कि जितना प्रोपिगेंडा यानी ये जो लोग जुल्म कर रहे हैं आ, आ, इनके फेवर में आ, ये जो कुछ मजहबी सियासी जमाते हैं उन्होंने अंबार लगाए हुए हैं आ, आ, उनके फेवर में बातचीत करने के लिए आर्गूमेंट्स की आ, कभी आपके सामने एक हमला होता है वो कहते हैं जी ये ब्लैक वाटर ने किया अमरीका भी हमारा दोस्त नहीं है उनके भी अपने अहदाफ हैं हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इनकी कारगुज़ारियाँ हैं वो हमें अमरीका के खाते में नहीं डालनी चाहिए और जो अमरीका के हैं वो इनके खाते में नहीं डालना चाहिए तो हमें बिल्कुल जो है मुतवज़ इसके ऊपर होना चाहिए और जो लोग आ, इनकी हिमायत कर रहे हैं सियासी तौर के ऊपर और उनके लिए बोल रहे हैं मैं समझता हूँ कि वो इस मुल्क के इस मुल्क के दुश्मन अगर मैं ना कहूँ वो सख्त लफ्स है तो मैं समझता हूँ कि वो खैर नहीं है और मैं समझता हूँ कि वो इस्लाम के भी खैर नहीं है क्योंकि ये एक इस्लाम के अंदर फितना फसाद और एक शर है जिससे हमें जान छुड़ानी चाहिए और इसमें पहली ड्यूटी हमारे इस रिलीजियस रिलीजियसॉलर जो है उनकी है ब्रिगेडियर शाह ये सही सही आपने कहा लेकिन सर ये जो फिर बात होती है ना मुखरत की और अफगानिस्तान में मुजाक हो रहे हैं देखें वो अगर बच गए और अमेरिका अगर चला गया आप भी मुजाकर कर लें सर मुझे एक बात बताइए एक बात मुझे हज़म नहीं होती एक आदमी बैठा हुआ इस्लाम के नाम पे वो फख्र से कहता है कि जी आप मुसलमान बच्चा तो छोड़ो मुझे कोई भी बच्चा दे दो मैं उसे ना सिर्फ तीन महीने में मुसलमान बना लूंगा बल्कि उसको खुद खुदकुश भी बना दूंगा अपनी राय पे इतना आमादा कर दूंगा सर वो एक जन्नत नुमा एक निजी जन्नत बना के बैठा हुआ है बच्चों को वो नशे के अंदर नशे की हालात में उसको अजीब व गरीब बातें समझाता है उसके सर में जहर भरता है वो बच्चे जो रेस्क्यू होते हैं सदाउन में आप देखें उनका हाल सर उनको नाखून और बंदूक के अलावा कुछ उनको दुनिया में पता नहीं है और इन लोगों को हम फिर माफ़ करके कॉन्वर्जेसन टेबल पर ले आएंगे लोगों को हम क्या करेंगे इनकी स... रियली हम बस नगोशिएट करेंगे और ठीक है सियासत कर लो मैं समझता हूँ कि इसलिए इनको कभी भी माफ़ ना चाहिए और मैं कहता हूँ कि एक जो कमज़ोरी हमारी रही है वो ये रही है कि हमने अभी तक जितने भी दहशत हमने पकड़े हैं उनमें से सही सज़ा किसी को नहीं दी तो उसको देखते हुए वो बाक़ी भी कहते हैं कि यार दहशतगर्द बन जाओ आपके पास पैसे भी बहुत आएंगे नाम भी होगा और हुकूमत आपको इज़्ज़त देके टेबल पे भी बिठाएगी और आपके साथ बातचीत बातचीत भी करेगी इनके जितने भी लीडर हैं अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें तो वो तीन या चार जुमात तक नहीं पढ़े हुए हैं ये किसी मदरसे में नहीं गए हुए हैं इनके अंदर कोई आलमी दीन नहीं है जो दावा कर सके कि वो दीन को समझता है और फिर इसी दीन के साथ इतना बड़ा जुल्म जैसे आपने फ़रमाया कि इतने छोटे बच्चों को इसमें तैयार करना और उनको फिर मतलब है जिस तरीके से वो मरते हैं यानी उनकी बाड़ी के टुकड़े होते हैं और वो बेच ना समझ होते हैं और ये जो है ये कोई नया नहीं है इस्लाम में पहले ये तो ये ये हो चुका है वो सर आपकी बात तो छोटी सी आप बात कर रहे हैं सर देखें पहले उनसे कहा कि जी खुदकुश हमला जो है उससे सीधा फटोगे जन्नत जाओगे फिर उन्हें पता चला कि जी सर जो है वो तन से जब अलग हो जाता है तो फिर उनकी शनाख्त हो जाती है तो फिर बच्चों को ये समझाना शुरू किया कि अगर तुम्हारा सर रह गया अगर सर तन से अलग हो गया तो फिर तुम्हारा सर दुनिया में रह जाएगा और तुम्हारा बदन जन्ना चला जाएगा लिहाजा जब अपने आप को फाड़ो तो अपना सर नीचे कर लो ताकि वो भी फट जाए सर ये कोई ये मुझे समझ नहीं आता इन लोगों से आप क्या निगोशिएट करेंगे इन लोगों को हम क्या समझाएंगे और इन लोगों को हम इंसान भी क्यों समझें मैं बिल्कुल कह रहा हूं इसलिए जो इनिशियली 2003-2004 में मैंने उनके साथ नेगोशिएट किए उस वक्त शायद ये सुसाइड बॉम्बिंग की टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं आई थी लेकिन फिर भी जो कुछ कर रहे थे मैंने उन्हें कहा कि अगर आप मुझे कन्विंस करें कि ये जहाद है और इस्लाम के लिए अच्छा है तो मैं आपके साथ मिलने को तैयार तो हूँ क्योंकि मैं अपने आप को एक बामर मुसलमान समझता हूँ लेकिन अगर आप मुझे कन्विंस नहीं कर सकते तो काइंडली ये काम छोड़ दीजिए ये हथियार रख दीजिए और पाकिस्तान और इस्लाम की ख़िदमत के लिए कमर बस्ता हो जाइए और उसमें हम आपके साथ हैं हम सब इकट्ठे हैं लेकिन इनको जो वो पावर जो पैसा और इसके अंदर जो मशहूरी उनको मिलती है उसकी वजह से वो बाहर जाने को तैयार नहीं और फिर उसके बाद जो जुल्म वो डालते हैं ये क्लियर मैसेजेस वगैरह मौजूद है ये मुस्लिम खान के बारे में उन्होंने कहा कि जी हम इस वैली में गए हैं कलाम में यहाँ पर लोग और मौली साहब जो कहते हैं कि आपको यहाँ आने की इजाज़त नहीं कहते हैं इनके जो बड़े बड़े दो तीन हैं उनको ले आओ सामने और उनको ज़बर करो ये मरकज़ भी बनाएंगे और ये पैसे भी देंगे और उसको चलाएँगे भी इस किस्म का जुल्म जो है इन्होंने लोगों पर किया हुआ है और वो लोगों को भूला हुआ नहीं है इसलिए मैं समझता हूँ कि जो लोग जो पार्टियाँ इनके हिमायत में बात करती हैं वो जो है खैबर पखतानख्वा के हद हाँ तक मैं कहता हूँ फाटा के हद हाँ तक मैं कहता हूँ कि लोगों को उन सियासी पार्टियों से भी नफ़रत है और उनको इसका सियासी कीमत भी चुकानी पड़ेगी क्योंकि हमारे हाँ यहाँ लोग जो है वो दुखी हैं आ, किसी का रिश्तेदार किसी का कोई और और किसी और इन्होंने ये जुल्म करते देखा हुआ है इसलिए मैं समझता हूँ कि इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है प्रॉपर अदालत इंसाफ के मुताबिक जो है इनके इनको सजाएं कड़ी सज़ाएं मिले तो तब दूसरे लोग नहीं करेंगे लेकिन हमारी हुकूमत चूंकि इतनी कमज़ोर है और यहाँ पर यह हालत है कि कोई जो काजी है जज है वो ये तैयार नहीं कि केस सुने आ, कोई गवाही देने के लिए आने को तैयार नहीं तो इसलिए अभी जो फाटा रेगुलेशन एक बनी है उसमें जो सिस्टम है एविडेंस का आ, उसके अंदर आ, ऐसे काबिल चीज़ें लाई गई हैं जिससे इनकी इनके खिलाफ जो है कोर्ट्स फैसला कर सके जी ब्रिगेडियर साहब आप पुरानी आप बहुत सॉफ्ट टोन ले रहे हैं सर सॉरी बात काट रहा हूँ ये एविडेंस एक्ट के ऊपर मैंने एक शो किया था एक दो हफ्ते पहले वो जजेस इतने डरे हुए होते हैं पुलिस वाले इतने घबराए हुए होते हैं कि अगर एक खुदकुश हमलावर पकड़ लें जो खुदकुशी करने के लिए जैकेट पहने हुए तैयार था और उसको फटने से पहले पकड़ लिया गया तो जज साहब फरमाते हैं वहां के निजी कोर्ट्स छोटे कोर्ट के जनाब क्योंकि ये फटा नहीं लिहाजा आपके पास सबूत नहीं है कि ये खुद है तो सर ये तो हाल है आप पुलिस करें तो क्या करें एफसी सी करें तो क्या करे और फौज करे तो करे? करें तो बेचारी क्या करें हम हम क्या करें मैं समझता हूं कि अगर हमारी अदालतें इस पे तैयार नहीं होती और उसके लिए कोई अरेंजमेंट्स की किसी ने बात की थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस जज ज़्या, सामने ना हो वगैरह वगैरह अगर वो सारी चीजें काम नहीं करती तो आप जो है मिलिट्री कोर्स की तरफ जाते हैं अमेरिका जैसी जमहूरीत जो है वो बे में जो केसेस हैं वो मिलिट्री कोर्स के थ्रू जो है वो कर रहे हैं और ये मिलिट्री कोर्स मिलिटरी कोर्स में बाकायदा उनको अपने डिफेंस के लिए अपने वकील की जो सिविलियन हो उसको इजाज़त होनी चाहिए और ये मिलिट्री कोर्स जो है वो फैसला कर सकती है और आपको दिनों के अंदर वो आपको ये फैसले सुना सकती है क्योंकि इनके खिलाफ इतना एविडेंस मौजूद है जो फौज आपके सामने लाएगी कि जी और उसमें ये जो वीडियो पे काफ़ी सारे जो है वो तो टीवी पे भी बात करते रहे हैं और उस आदमी को पकड़ के अभी हम कह रहे हैं कि जी है इनको सजा नहीं मिल सकती क्योंकि ये जो आपका एविडेंस एक्ट है ये 1935 का अंग्रेज़ों के ज़माने से चला हुआ है और वहाँ पर जो है बहुत लंबी जड़ी प्रोसीजर्स होती हैं और उसमें जो आपके ऐसे लोग जो कि बिल्कुल कन्फर्म टेररिस्ट थे चाहे वो कराची में हो, चाहे वो इधर पेशावर में हो, चाहे वो लाहौर में हो, वो अदालतें छोड़ दिए क्योंकि वो जो रिक्वायरमेंट उनकी एविडेंस की होती है वो शायद उस पर वो पूरा नहीं उतरते तो इसलिए ऐसे प्रैक्टिकल मजेस की तरफ जाना चाहिए जहां इनको Uh, इनको इंसाफ के मुताबिक ज्यादती ना करते क्योंकि स्टेट जो है एक मॉरल बॉडी है और ये जो इंडिविजल है नॉन स्टेट एक्टर्स है ये तो क्रिमिनल लोग हैं ये कुछ भी कर सकते हैं लेकिन स्टेट इनके साथ इंसाफ के मुताबिक करेगी और वो भी जो इन्होंने किया हुआ है उसकी सज़ा यानी कत्ल की सज़ा कत, कतल ही होगा और ये स्टेट की जिम्मेवार है तो मैं समझता हूँ कि उसको जिस तरीके से ये मुमकिन बना सके और उसमें से एक तरीका तो ये है कि ये जो एविडेंस का मैंने आपको जिक्र किया कि इसको आसान बनाया जाए और दूसरा ये है कि उसके बावजूद भी अगर कोर्स तैयार ना हो इसके ऊपर तो फिर मिलिट्री कोर्स एक आंसर है और ये जल्दी होना चाहिए स्वात ऑपरेशन को कितना अरसा हो गया और कितने लोग जो हैं वो जेर हरासत है अभी तक और उन पर कोई फैसला नहीं हो रहा है कोई केस नहीं चल रहा है तो लोग जो है वो उनसे डरते हैं क्योंकि तो बहुत बड़े बदमाश हैं वो कहते हैं कि कल ये जो है आपने जैसे जिक्र किया कि एक ख़ुदकश है उससे पहले जब उससे उससे इंटरव्यू किया गया और उसने कहा कि मैं यहाँ से छूट जाऊँगा दोबारा खुदकुशी पे ख़ुदकश करूँगा तो उन्हें कहा आपको कैसे यकीन है कि आप छूट जाएंगे यहाँ से उन्हें कहा मुझे यकीन है कि मैं यहाँ से छूट जाऊँगा ये हमारे अदालती निज़ाम जो मौजूदा है उसकी हालत है और ये जो है एक्स्ट्रो ऑर्डनरी हालात हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हालात में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है वो लेजिस्लेशन होनी चाहिए और इनकी ताकि ये जो मुजरिम लोग हैं अगर इनको आपको उसी जगह के ऊपर स्वाद में अगर इन्होंने जाके किसी चौक में लोगों को फांसी किया है और आप इनको वहाँ पर चौक में फांसी करें तो तब लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा और उनको पता लगेगा कि अगर आप ये जुर्म करते हैं तो आज नहीं तो कल आप पकड़े जाएंगे तब तो होता, होता है और तब इस किस्म की जो मूवमेंट्स है वो खत्म होती सही एक ब्रेक लेंगे सर आपके जो इन्होंने लोगों के साथ किया है वो इनके साथ होना चाहिए बरबरीत की साइकिल जो है बरकरार रहनी चाहिए शायद ये जवाब है और शायद शायद ये जवाब है कि अमेरिका जो है जब छोड़ के चला जाएगा अफगानिस्तान को तो ये लोग जाके अफगानियों को तंग करेंगे हमें छोड़ देंगे शायद शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पाकिस्तान के लिए ये भी है आपकी क्या राय है? आप हमें लिख के आगा कर सकते हैं ऐसे में चर्ची एट वी सी पाकिस्तान डॉट कॉम पर आप हमारे फेसबुक पेज को भी विजिट कर सकते हैं ये शो और हमारे पुराने शोज भी देख सकते हैं उनके ऊपर तबसर कर सकते हैं फेसबुक पर अगर आप सर्च करेंगे सियासत मना है तो यू शुड फाइंड इट बैक टू ब्रेक